हाय दोस्तों, ये देखिए सामने में तीन प्रकार का दाब रखा हुआ है। तो तीनों दाब में से कौन सा दाब सबसे बेहतरीन है और कामयाब है? देखिए, हर एक दाब का अपना अपना खुद अलग खासियत होता है। तो ये जो तीनों दाब है, तीनों दाब का भी खासियत है, एक में कुछ पकता है तो दूसरा में कुछ और। हर चीज़ हर दाब में नहीं पकता है, तो मैं एक एक का डिटेल में बताऊंगा और आखिर में सबसे बेहतर कौन सा वाला है उसको भी मैं बताऊंगा। तो कौन सा वाला क्या काम करता है, सबसे पहले लीजिए ये है नमक का दाब। ये देखिए, ये नमक का दाब है। इसको जो सेंधा नमक होता है, सेंधा नमक का साथ में आंवला का पानी से पका कर बनाया वाला दाब है। ये हर एक दाब का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग अगर नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। तो इसमें क्या पकता है, ये नमक वाला दाब में सामान कायम होता है। इसमें आप संख्या पकाइए, फिर हड़ताल पकाइए, ये दोनों बेहतरीन कायम होता है, जो मेटल भी देता है। आप अगर इसमें संख्या पकाया तो संख्या को तामा में डायरेक्ट तिरा कर दीजिए, देखिए आपका तामा सफ़ेद हो जाएगा। और अगर हड़ताल पकाया तो हड़ताल को डायरेक्ट तामा को चरक देके उसमें तिरा कर दीजिए, बाद में एसिड कर लीजिए, तो आपको हड़ताल का मेटल भी हासिल हो जाएगा। तो ये जो नमक का दाब है, ये चीज़ों को कायम करता है। इसमें फिर मैंने सिंगरप भी पका के देखा है, सिंगरप उड़ जाता है, इसमें सिंगरप काम नहीं करता है। देखिए, हर एक दाब का अलग अलग काम होता है। इसको जब कुठाली में बा कोई बर्तन में कप में रख के जब आप देगा, तो आग जब दिया जाएगा तो ये सिकुड़ जाता है, सिकुड़न पैदा होता है। ये दाब में सिकुड़न अगर पैदा होगा तो आपका जो उड़ने वाला चीज़ है वो तो उसको जगह मिल जाएगा, वो उड़ जाएगा। तो इसमें उड़ने वाला चीज़ कायम नहीं होता है, इसमें सिर्फ दो चीज़ कायम होता है। अभी इसको लीजिए, ये एक दाब है, ये जिस्त वाला दाब है, ये भी बेहतरीन है। इसमें जिस्त का दाब है, जिस्त है, संख्या भी दिया हुआ है, हड़ताल भी दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। इसका भी डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप लोग नहीं देखा है तो देखिएगा। इसमें क्या चीज़ कायम होता है, ये देखिए, बेहतरीन दाब है। लेकिन इसको भी अगर आग दिया जाता है, कोई कप में रख के, कोठाली में रख के जब इसको आग दिया जाता है, तो ये भी आपका वो होता है, सिकुड़न पैदा करता है। सिकुड़ जाता है, अंदर में जगह बन जाता है, जगह बन जाने से जो अपने उड़ने वाला चीज़ रखा है वो उड़ जाता है, इसमें ये रोक नहीं पाता है। इसमें आप पारा पकाने से पक जाता है, पारा तो पक जाता है, इसमें बढ़िया पारा पकता है। पारा को बीच में जैसे ये इसको लीजिए, जैसे इसका अंदर में ऐसे होल करके इसमें पारा दिया, फिर ऊपर से आपको ढक दिया, ढक के ऊपर तक ढक दिया, ढकने के बाद कपड़े मिट्टी करके आपने आग दे दिया। तो इसमें आपको एक चीज़ को सिर्फ ध्यान रखना है, आग को ध्यान रखना है, भड़का का आग नहीं देना है। जब आग ठंडा हो जाएगा, सुलगा हुआ रहेगा, उसी टाइम कुठाली को उसमें दे देना है। भड़का वाला आग में देगा तो पारा भी उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सब चीज़ का अलग अलग तरीका है, आज मैं वही बता रहा हूँ कौन सा वाला किस तरीका से काम करता है, बेहतरीन काम करता है। तो इसमें पारा को देके जो आग, जब भड़का का आग जब निकल जाएगा, जब स्लिप अंगारा रहेगा, सुलगता रहेगा, उसी टाइम इसको दे देना है। देके उसमें भी समय है, देखते रहना है, आपका पकड़ लीजिए 3 घंटा 4 घंटा ऐसा देखना है। उस टाइम क्या होगा, ये जो पारा आपने दिया है, ये नीचे से बीच में जब आपने डाला है, ये नीचे से ऊपर तक आएगा,
ऊपर तक आके ऐसे लंबा होके निकल जाए, लंबा हो जाएगा। लंबा होने के बाद में ऊपर में जब आप कुठाली को जब आग में दिया है तो उसका ऊपर का किनार किनार में आपको ध्यान देते रहना है, जहाँ में आपने कपड़ मिट्टी करके बन किए हैं। और जब काला रंग होते रहेगा, काला होना शुरू हो जाएगा, तब आप उसको उतार देना है। उतारने के बाद वो करिए, तब उसको सावधानी से तोड़िए। तोड़ने के बाद आपको ऐसे लंबा करके, ऐसे इतना लंबा जैसा आपको पारा मिलेगा, तो उसको कोई भी चीज़ से सावधानी से करच करच के अलग कर लेना है। उसका बाद इसको डरेगा आप चनक दे सकता है। और दूसरा चीज़ इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये पारा। और इसमें सिंगरप भी नहीं काम पकता है, इसमें मैंने सिंगरप भी किया है। तो अंत में जाके सिंगरप जो जगह में डाला वो जगह गोल होके खाली खाली था, अंदर में कुछ भी नहीं मिला, सब उड़ गया। इसलिए इसमें सिंगरप नहीं पकता है। उड़ने वाला चीज़ में सिर्फ पारा, वो भी सावधानी से करने से पकता है, नहीं तो नहीं पकता है। इसका भी बता दिया। अंत में बचा ये वाला, ये जो नया दाब जो बनाया है, ये वही है। ये देखिए, ये सील पैक में रखा है, नहीं तो हवा लगे तेल बन जाएगा। अब इसका सुनिए, इसको आप जितना भी आग दीजिए ये सिकुड़ता नहीं है, ये जमता नहीं है। जितना भी आग दे दीजिए, जितना भी भड़का का आग दे दीजिए, कुछ भी आग दे दीजिए, ये सिकुड़न पैदा नहीं करता है। जैसे ये दाब है और ये दाब है, बाद में इसको बहुत ताकत लगाना पड़ता है दाब से, जो कप में आपने पकाया वो कप से निकालने के लिए, क्योंकि ये सिकुड़न पैदा करके जम जाता है, ऐसे जम जाता है। जमने के बाद इसको तोड़ तोड़ के निकालना पड़ता है। इसमें ये चीज़ तो नहीं है, इसमें सिकुड़नपन पैदा नहीं होता है। इसको जितना भी आग दीजिए, ये पाउडर का पाउडर ही रहता है। तो ये पाउडर रहने से सबसे बेहतर क्या होता है, इसमें नमी नहीं आएगा और ये आपका सिकुड़नपन सिकुड़ नहीं जाएगा। नहीं सिकुड़ने से खाली स्थान नहीं बनेगा, आपका पारा उड़ेगा नहीं। पारा को उड़ने के लिए उसको जगह चाहिए, ये जगह देगा नहीं, क्योंकि ये पाउडर का पाउडर ही रहता है, ये जमता नहीं है। तो ये सबसे बेहतर है ये उड़ने वाला चीज़ पकड़ने के लिए। और सिंगरप भी मैंने पका के दिखाया था, सिंगरप भी सुंदर पका है। तो ये तीनों में से सबसे बेहतर ये है, ये आपका सीसा धातु वाला सबसे बेहतरीन है। ये सिकुड़ता नहीं है और ये आपका कुछ भी उड़ने वाला चीज़ को उड़ने नहीं देता है, पकड़ के रखता है। सबसे बेहतर ये है, सभी बेहतर है, मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ। ये भी बेहतर है, लेकिन तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा यही है तीनों में से, क्योंकि इसमें भी सिकुड़नपन आता है, इसमें भी आता है, इसी में स्लिप नहीं आता है ये सीसा वाला में। इसलिए सीसा वाला आपका सबसे ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसमें तो अभी तक मैंने स्लिप फिंगर भी पकाया, ये एक दो दिन के अंदर में भी आपको पारा भी पका के दिखाऊंगा। ये मार्केट से पारा लेके आऊंगा, डायरेक्ट 10 ग्राम, सीधा 10 ग्राम को ही मैं डाल दूंगा, डाल के डायरेक्ट पका के देखूंगा क्या होता है, क्योंकि इसमें पारा पकता है। ये जो जिस्त वाला है, ये नमक वाला, इसमें तो पारा पका है। जो मैंने चांदी का फॉर्मूला दिया हुआ था, तो ये दाब इसमें चांदी बन जाता है, क्योंकि इसमें संख्या भी दिया हुआ है। तो ये पारा का चांदी इससे बन जाता है। इसमें तो संख्याओं के कुछ भी नहीं है, तो इसको देखता हूँ क्या करता है क्या नहीं करता है, इसका पारा का साथ में काम होता है कि नहीं होता है। तो देख लीजिए, तीनों में से सबसे बेहतरीन ये वाला है, तीनों में से सबसे बेहतरीन ये है। अगर आप लोग इसको बना के रखा है तो अच्छा बात है। और इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पारा का साथ में दिखाने का कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही है, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।